एवरीवन, देखिए अब न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। देखो ये आपके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर बेस्ड हैं, जिसमें आपके थ्री टाइप्स के थे ना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस और साथ में शेयर मॉडुलस। ठीक है, उस थ्री टाइप के आपके यहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी होंगे। ठीक है, देखो जरा सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहते हैं, द डायमीटर ऑफ द ब्रास रोड इज़ 4 mm। ब्रास रोड है, ठीक है, उसकी जो डायामीटर है वो कितनी है, 4 mm है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ डायामीटर कितनी है, 4 mm है। एमएम का मतलब होता है मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर को हम मीटर में जब चेंज करते हैं तो 4 × 10⁻³ आएगा, मतलब 10⁻³ करेंगे मिली के लिए। ठीक है, तो वो मीटर में कन्वर्ट होगा। क्लियर। और यंग मॉडुलस ऑफ द ब्रास, यंग मॉडुलस मतलब जो वाई की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, 9 × 10⁻¹⁰ न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। ठीक है, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच इट बाय 0.1% ऑफ इट्स लेंथ। अब देखो जरा मेन कहानी क्या है, फोर्स निकालनी है आपको। ठीक है, कह रहा है जो कि आपने क्या किया, स्ट्रेच किया, जिससे स्ट्रेच इट बाय 0.1% ऑफ इट्स लेंथ। मतलब क्या हुआ, 0.1% लेंथ क्या हो गई उसकी, स्ट्रेच हो गई। तो वो कितनी फोर्स की आपको रिक्वायरमेंट हुई इसमें। देखो एक बात को समझो, ये फोर्स आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो, इससे ये स्ट्रेच हुई। ठीक है, 0.1% का इंक्रीज हुआ, मान लो स्ट्रेच में इंक्रीज ही होता है। ठीक है, पहली बात तो ये। ठीक, तो आपको खुद पता है कि यहाँ पर जो ये फोर्स होगी, जो अपोजिट में रीस्टोरिंग फोर्स होगी, वो इक्वली होगी इसके। ठीक है, तो इसलिए अगर ये मैं अंदर वाली फोर्स निकाल दूँ तो इसका मतलब यही वाली फोर्स आएगी मेरे पास। क्लियर है, तो उसके लिए हमें फार्मूला पता है, जो यंग मॉडुलस का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेच की कहानी है ना इसमें, लेंथ वाली कहानी है। तो लॉन्गीट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन में क्या आता है हमारे पास, लॉन्गीट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, तो जो हमारे पास स्ट्रेस है यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल वाला, वो क्या होता है आपके पास, F/A। तो यानी कि F/A आपको बताइए। ठीक है, तो फोर्स तो हमें यहाँ पर निकालनी है, और एरिया, एरिया कितना हो जाएगा, πr², तो मैं इसको लिखता हूँ पाई। और आर कितना होगा, देखो यहाँ से अगर हम देखें, अगर डी फोर है तो यहाँ से आर कितना हो जाएगा, 2 mm का हो जाएगा। तो mm को चेंज करेंगे 2 × 10⁻³। क्लियर है, इस तरीके से समझ में आ रहा होगा आपके। तो यहाँ पर पाई में को मैं चेंज नहीं करूँगा, 22/7 नहीं लिखूंगा, क्योंकि आंसर हमें किस में चाहिए, यहाँ पर पाई में चाहिए, अगर आप ऑप्शंस देख पा रहे हो यहाँ पर। ठीक है, तो पाई एज इट इज़ लिखते हैं, और आर स्क्वेयर, एरिया समझ गए ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाले सर्कल का लगेगा, ये मैंने आपको बहुत बार बताया। ठीक है, तो पाई आर स्क्वेयर होता है, तो आर कितना हो जाएगा इसमें आपके पास, 2 × 10⁻³ का स्क्वेयर। ठीक है ना, आर स्क्वेयर इस तरीके से। ठीक, ऐसे ही हम अगर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की बात करें तो वो देखो मेन जो इसमें आना है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, इसमें आपके पास Δl/L होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये उसने कुछ नहीं बताया, उसने सिर्फ ये बताया कि जो इंक्रीज इन लेंथ हुई है परसेंटेज में वो कितनी हुई है, 0.1% हुई है। ठीक है, स्ट्रेच करने पे। अब देखो इसको डायरेक्ट मैं एक तरीके से लिख सकता हूँ, इस तरीके से कि Δl/L इज इक्वल टू में कितना है ये आपके पास, 0.1% बताया ना, तो 0.1/100 इस तरीके से डायरेक्ट लिख सकते हो, कहीं पर भी इंक्रीज आए डिक्रीज आए तो इस तरीके से परसेंटेज दी हो तो Δl/L इज इक्वल टू में 0.1 और अपॉन में 100 लगा देना परसेंटेज का। ठीक है, देखो ये यूनिट वन में आपने पढ़ा है। ठीक है, मेजरमेंट्स वाला जब हमने एरर्स वगैरह पढ़े थे। ठीक है, तो रिलेटिव एरर होता है हमारा क्या होता है, वो Δa/A। ठीक है, उसकी अगर हमें परसेंटेज निकालनी होती तो हम 100 लगाते थे इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी चीज़ इसी तरीके से आई है। देखो Δl/L इंटू में 100, परसेंटेज कितनी दी है इसकी, 0.1%, तो ये आ गया, अभी 100 इधर चला गया, इस तरीके से ये किया हुआ है। ठीक है, अगर इस तरीके से याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ईजी है। नहीं तो और एक तरीका क्या है कि आप कैसे निकालो 0.1% का ना, तो लेट मान लो आपकी जो ओरिजिनल लेंथ है इसकी वो कितनी है, मान लो इसकी एक्स है, वैसे मान के चलो यहाँ कैपिटल एल दी हुई है, मैं एक्स मान रहा हूँ। ठीक है, और जो इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, यानी कि इंक्रीज़ कितना हुआ, यानी कि वो जो Δl है वो कितना हुआ है, 0.1% ऑफ किसका हुआ है, वो एक्स का हुआ है। तो उसको कैसे करूँगा मैं, 1/10 तो ये आ गया। ठीक है, और इसका परसेंटेज का भी ये 100 लगेगा, और ऑफ एक्स इंटू में एक्स, तो ये Δl आ गया। तो अगर जब मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगा Δl की, तो ये कितनी बनती है आपके पास, एक्स अपॉन में 1000, ये बनती है। ठीक है, और ओरिजिनल वाली एल क्या लिया मैंने, एक्स लिया, तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा, इसके नीचे एक्स आएगा, तो मतलब 1/x बन जाएगा। क्लियर है इतनी बात, तो एक्स से एक्स कट गया, कितना आ रहा है ये, 1/1000 आ रहा है। नहीं तो डायरेक्ट आप यहाँ से देखो Δl/L ये आ रहा है, तो 1 का भी मैं 10 लगा दूंगा, तो ये डायरेक्ट भी तो आ रहा था यहाँ से 1/1000, या नहीं, तो देख लो आप कौन सा आपको ईजी लगता है। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। तो अब कुछ नहीं है, यंग मॉडुलस में हम वैल्यू पुट करते हैं। देखो यंग मॉडुलस के लिए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कितना था हमारा, ये है F/π, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4,
और 10 की पावर -3 का स्क्वायर मतलब क्या है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 3 3 9 नहीं करते पावर में, याद रखना मल्टीप्लाई होता है। तो 10 की पावर कितना हो गया, ये -का 6 हो गया, ठीक है। अपॉन में क्या है हमारे पास, स्ट्रेन, स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन में 1000 है, क्लियर है। अब देखो यहाँ से आप यंग मॉडुलस की वैल्यू देखो कितनी है, 9 × 10 की पावर 10 है, क्लियर। और यहाँ से अगर आप देखोगे ना, ये एफ अपॉन में 4 π × 10 की पावर -6, ये 1000 ऊपर चला जाएगा यहाँ इस तरीके से, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, यंग मॉडुलस की वैल्यू रख दी, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू क्या करेंगे हम, इधर लेके जाएंगे, ये वाली वैल्यू ऊपर चल जाएगी, तो ये आ जाएगा 4 π × 10 की पावर -6, और ये 1000 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये एफ एज इट इज़ यहाँ पर रह जाएगा, समझ पा रहे हो। तो अब देखो जरा, पाई को तो हमें कुछ नहीं करना, तो यहाँ पर देखो जरा किस तरीके से करेंगे हम। देखो 10 की पावर्स को सोल्व करो, देखो 10 की पावर -6 करो, 10 की पावर 10 है ना, और ये -6, 10 की पावर -6 करो कितना बनता है, 10 की पावर 4, ठीक है। और यहाँ कितना है ये आपके पास, 10 की पावर 3 है, तो ऊपर बचा 4 और नीचे 3, तो 4 - 3, देखो इस तरीके से कह रहा हूँ मैं ये। देखो 9 × 4 तो कितना हो गया, 36 × में ये हो गया पाई, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ 10 की पावर 10 में से ये वाला -6 है ना, ये माइनस करो पावर्स में, ठीक है। तो कितना बनेगा ये, 10 की पावर 4, और नीचे कितना है, 10 की पावर 3 है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपके पास, देखो अब सोचो ये क्या हो जाएगा, 36 और ये 3 और 4 है, 4 में से 3 माइनस करो 1, तो एक 10 बचा, वो कितना हो जाएगा, 360। तो 360 π·N की आपके पास फोर्स रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, इतना स्ट्रेच करने के लिए, 0.1% का स्ट्रेच करने के लिए। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपके पास, डी सही होगा, ये आया समझ में, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से है ये क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, व्हेन द प्रेशर ऑन द स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 80 एटमॉस्फेयर। देखो सबसे पहले तो जो प्रेशर होता है ना, वो हम पास्कल में लेते हैं। अब 80 एटमॉस्फेयर है अगर ये, तो ये देखो जरा हम कैसे कर सकते हैं इसको पास्कल में चेंज। देखो 1 एटमॉस्फेयर जो होता है, वो होता है आपके पास 1.013 × 10 की पावर 5 पास्कल, ठीक है, दिखाई दे रहा है ये, इस तरीके से होता है, समझ में आई बात, ठीक है। तो बस ये चीज़ हम कर सकते हैं फिर, ठीक। तो जब आपने प्रेशर दिया, तो स्फीयर पे कितना प्रेशर इंक्रीज़ किया आपने, 80 एटमॉस्फेयर का, देन इट्स वॉल्यूम इज़ डिक्रीज्ड बाय दिस। तो पहले बोल दिया था वॉल्यूम डिक्रीज़ कर गया इतने परसेंटेज से, तो फाइंड द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटीरियल ऑफ द स्फीयर। तो बहुत ही सिंपल है, देखो इसके अंदर जो बल्क मॉडुलस का जो फॉर्मूला है हमारा, वो कौन सा लगेगा, प्रेशर वाला लगेगा, ठीक है। तो प्रेशर वाले में आपको पता है क्या होता है, P·V/∆V, ये चीज़ होती है, बताओ पता है या नहीं, ठीक है। और वो बात अलग है कि हम माइनस साइन भी होता है, तो माइनस हमें लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज उसने पहले ही बोल दिया कि डिक्रीज़ है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है ना। माइनस वहाँ भी क्या बताता था हमें, डिक्रीज़ ही बताता, तो यहाँ पहले ही डिक्रीज़ बोल दिया उसने, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो प्रेशर की वैल्यू अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, 80 एटमॉस्फेयर है ना, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.013 × 10 की पावर 5 से, तो ये पास्कल में आ गया, ठीक है, ये हो गया सही, पी की वैल्यू हमें पता चल गई, ठीक। अब देखो ना यहाँ से हम इसको प्रेशर को ही क्या लिखते थे, स्ट्रेस लिखते थे F/A, तो वो तो कुछ भी नहीं दिया उसने, डायरेक्ट प्रेशर दिया है, तो हमने फॉर्मूले में भी यहाँ आपको याद होगा चेंज किया था F/A को, क्या लिख दिया था, प्रेशर लिख दिया था, ठीक है, क्लियर है। तो डिक्रीज़ बाय, वॉल्यूम डिक्रीज़ बाय कितना हो रहा है, 0.01%, तो ये मैंने आपको डायरेक्ट भी बताया अभी, ∆V/V मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 0.01, और अपॉन में क्या आ जाएगा 100, तो ये आपके पास डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में इसका पॉइंट हटेगा तो 100 लगेगा नीचे, तो ये कितना आ जाएगा, 10000 आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो इसका और तरीका क्या है फिर करने का, देखो समझ पा रहे हो ना ये बात, ठीक है। नहीं तो और तरीका क्या होगा इसका करने का, कि मान लो जो वॉल्यूम है पहले वो एक्स है, ठीक है, अब कितना डिक्रीज़ हो रहा है, 0.01% ऑफ एक्स डिक्रीज़ हो रहा है, तो ऐसे ही लिखेंगे इसको, 0.01 by 100, 0.01 मतलब बाय 100% का लगाया इंटू में एक्स, तो ये कितना बन जाएगा, एक्स अपॉन में, अब देखो इसका पॉइंट हटाएंगे तो एक 100 और जाएगा नीचे, तो ये 10000 बन जाएगा, है ना, 2 जीरो और लग जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो जब मैं ∆V/V करूँगा, तो ∆V की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन में 10000, और वी कितना है पहले का, एक्स है, तो एक्स से एक्स कटेगा, तो 1/10000 आ गया, ठीक है। ये तो पता है ना, अगर मैं एक्स अपॉन में 10000 यहाँ कर रहा हूँ और अपॉन में एक्स कर रहा हूँ, तो इसके नीचे मैं 1 लगाता हूँ डायरेक्ट, और ये आ जाएगा एक्स अपॉन में 10000 × में ये ऊपर जाके 1/x, इस तरीके से ये कटते हैं, ये तो सब आपको बातें पता ही हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो बस अब वैल्यू पुट करते हैं, देखो इसमें मैंने आपको बता दिया ∆V/V आप कैसे ले सकते हो, बहुत ही इजी वे भी बताया इसको, और नॉर्मल जैसे आप करते हो कैलकुलेशन वाइज वो भी बता दिया परसेंटेज में लेके, ठीक है। तो पी कितना है हमारे पास, देखो 80 × 1.013 × 10 की पावर 5। अब देखो हमारे पास वैल्यू क्या है, ∆V/V की है,
ठीक है, अगर हमें v बाई डेल्टा v चाहिए तो इनको पलट दो, तो v बाई डेल्टा v क्या हो जाएगा, ये 10,000 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, तो मैं यहाँ लिख दूंगा यहाँ पर 10,000 अपॉन में 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, क्लियर है इतनी बात बताओ। अब देखो इसको सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। देखो यहाँ से अगर हम 10 की पावर्स देखें कितनी बन रही है, देखो 5 ये हैं और ये 10 की पावर कितनी बन जाएंगी, 1 2 3 4 4 ये और एक ये है, तो 5 4 9 और एक ये 10, तो 10 की पावर 10 हो गई यहाँ पर सॉल्व। ठीक है, यहाँ का बचा 80 में से मैंने 10 तो ले लिया यहाँ पर पावर में, तो 8 बचा और ये बची 1.013, ये चीज़ बची है। क्लियर है इतनी बात बताओ। अब इसको भी बिल्कुल ईजी है सॉल्व करना। देखो 1.013 है ना, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा ये आपके पास, देखो 1013 को 8 से करो, 8 3 24, 8 1 8 और 9 10 हो गया, ये 8 1 8, ये पॉइंट कितने छोड़ के था, 3 छोड़ के, तो 3 छोड़ के यहाँ लगा दो, तो ये कितना बन रहा है, 8.104 इंटू में 10 की पावर 10। ठीक है, और इसको मैं राउंड ऑफ करूँ अगर 2 डिजिट तक या 1 तक करें, 8.1 इंटू में 10 की पावर 10। ठीक है, और बल्क मॉडुलस का वो बताओ जरा क्या होता है, यूनिट बताओ जल्दी से क्या होते हैं, स्ट्रेस वाले ही होते हैं, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, तो ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है, मेन इसमें भी कहानी यही थी आपकी पास, परसेंटेज वाली कहानी थी, इसको आपने कैसे लेना है डेल्टा वी बाई वी। ठीक है, मेन यही है क्वेश्चन में, और डिक्रीज़ यहाँ पहले से लिख दिया तो हमने माइनस यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डिक्रीज ही में ही बता रहा है पहले से ही। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमने माइनस नहीं लिया। क्लियर है इतनी बात बताओ, कर लोगे ये। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, देखो ये भी बड़ा सिंपल है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट द इलोंगेशन ऑफ द कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर शोन इन फिगर। देखो ये एल्युमिनियम की है वायर, इस पर M2 मास लगा हुआ है, फिर कॉपर की रोड है एक तरह से हम कहें यहाँ पर, ठीक है ना, वायर है एक तरह से, ठीक है, और इस पर M1 मास है जो कि है 7 kg का और M2 है 4 kg का। ठीक है, कहता है डायामीटर ऑफ द कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर्स आर दिस। ठीक है जी, कॉपर की ये हो गई और एल्युमिनियम की यानी कि 1 mm हो गई रिस्पेक्टिवली लिखा है ना इस वजह से, और गिवन दिया हुआ है आपको यंग मॉडुलस कॉपर का ये दिया हुआ है 11 × 10^10, और यंग मॉडुलस ऑफ एल्युमिनियम वायर का क्या दिया हुआ है 7 × 10^10। ठीक है, ये ऑप्शन हैं आपके पास। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर है बिल्कुल कहानी सिंपल ही। देखो इसमें जब हम एल्युमिनियम की कहानी कर रहे हैं पहले, ठीक है, तो एल्युमिनियम के जब हम बात करेंगे तो इसमें देखो ज़रा यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है इस पर ये एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है। ठीक है, उसकी वजह से इस पर इस जो ये वायर है हमारी जो कॉपर जो एल्युमिनियम की है, ठीक है, इस पर एक टेंशन आई होगी। ठीक है ना, टेंशन भी तो एक फोर्स ही होती है। ठीक है, तो ये हम स्ट्रेस वाली फोर्स समझ सकते हैं टेंशन वाली। ठीक है, तो ये किसकी वजह से है, यहाँ पर फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, mg होता है। तो यहाँ पर इस पे जो ये टेंशन आई है, जो फोर्स लग रही है, वो इसकी वजह से भी लग रही है और साथ में इस वाले मास की वजह से भी लग रही है। अब रोड का जो ये वायर का मास है वो नेग्लिजिबल ले रखा है हमने यहाँ पर। ठीक है, ये मास का ही लिया हुआ है जो है। ठीक है, तो यानी कि 4 kg ये और 7 kg ये, तो यानी कि जो टेंशन है जो एल्युमिनियम वायर पे वो किसकी वजह से लग रही है, M1 प्लस में M2 की वजह से, और साथ में तो क्या आएगा इसमें, G आएगा। ठीक है, G हम इसमें 10 लेके चलेंगे। तो देखो 7 और 4 कितना हो गया 11, 7 प्लस 4 और ये 10। ठीक है, 11 इंटू में 10 कितना आ गया ये आपके पास 110 न्यूटन। ठीक है, ये लग रही है, इसमें मेन कहानी यही है। ठीक है, और जब हम बात करेंगे कि कॉपर में सिर्फ, ठीक है, तो कॉपर में सिर्फ टेंशन किसकी वजह से लग रही होगी, इस मास 1 की वजह से। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये क्या होगा, mg होगा, ये भी एक तरह की फोर्स ही होगी, स्ट्रेस वाली फोर्स हम बोल सकते हैं, बिकॉज ये फोर्स नीचे लग रही है, जैसे हम कहते थे ना कोई चीज़ स्ट्रेच हो रही है तो ये फोर्स लग रही है, तो फिर एक फोर्स उसके अपोजिट में भी लगती है, तो वो टेंशन है। टेंशन या कौन सी है, स्ट्रेस वाली फोर्स है, सीधी सी बात है। ये डिफॉर्मिंग फोर्स हो गई या अप्लाइड फोर्स हो गई, क्योंकि ये मास की वजह से कुछ फोर्स लग रही है इसकी। ठीक है, तो उसके अपोजिट में क्या होगा, इस वायर पर भी क्या होगी, एक टेंशन क्रिएट होगी, जिसे हम फोर्स ही बोलते हैं। टेंशन भी क्या है, एक फोर्स ही है, न्यूटन ही होता है उसका यूनिट भी। क्लियर है, तो यहाँ से अगर हम बात करें, सबसे पहले एल्युमिनियम की वायर में कितना जो है पूछ रहा है इलोंगेशन हुआ, इलोंगेशन मतलब क्या कह रहा है, डेल्टा एल कितना हुआ इसका, समझ रहे हो। तो सिंपल सी कहानी है, देखो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला पता है आपको, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एफ बाई ए आएगा, और अपॉन में स्ट्रेन की बात करेंगे तो वो कितना आता है हमारे पास, डेल्टा एल बाई एल। और आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी पता था कि एफ बाय ए इंटू में एल बाय डेल्टा एल होता है। ठीक है, तो ये डेल्टा एल चाहिए हमें। ठीक है, और किसके लिए बात कर रहे हैं हम, ये एल्युमिनियम के लिए, तो एल्युमिनियम का ही हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, सारी कुछ एल्युमिनियम की ही होगी बात। ठीक है, तो यंग मॉडुलस एल्युमिनियम का और ये डेल्टा एल हमें चाहिए, तो डेल्टा एल इधर लेके चलो। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बचेगा, एफ बाय ए इंटू में एल ये वाला, और ये वाई ए एल नीचे आ जाएगा। तो बस सोल्व करना है, ये कितना है 110 है, एल कितना है इसमें हमारे पास, देखो एल्युमिनियम का कितना दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, एरिया
एरिया देखो अब जरा, एरिया एरिया के लिए देखो यहाँ पर डायामीटर दी हुई है एल्युमिनियम की कितनी, 1 mm। देखो कॉपर है फिर एल्युमिनियम है, तो ये कॉपर की डायामीटर है, ये एल्युमिनियम की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इधर जो डायामीटर है वो कितनी है, 1 mm की है इस वायर की, और इस वायर की डायामीटर कितनी है आपके पास, 1.4 mm की है कॉपर की। तो अगर ये 1 mm है तो आर कितना हो जाएगा इसका, 1/2 mm, और mm है यानी कि मिलीमीटर है, तो 10^-3 से भी मल्टीप्लाई होगा, मीटर में आ जाएगा। तो यानी कि ये 1/2 कितना हो गया हमारे पास, एक तरह से हम कहें 0.5 हो गया, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जो एरिया होगा क्रॉस सेक्शनल, वो ऑब्वियस ही बात है इस तरीके से ही लगी हुई है ना ये वायर्स में, तो वायर्स किस टाइप से होती हैं, इस तरीके से ही होती है ना, तो इनके इसी पार्ट पे फोर्स लगती है, ठीक है ना। तो यानी कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इनकी पाई आर स्क्वेयर, तो पाई आर स्क्वेयर है यहाँ पर, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर अगर पाई की कुछ वैल्यू लूँ, 22/7 ले लूँ, ठीक है, तो 22/7, ठीक है, वो 7 ऊपर चला जाएगा। आर स्क्वेयर, आर कितना है, 0.5 × 10^-3 का स्क्वेयर है, तो मैं इसको दो बार लिख दूं, ठीक है, इंटू में 0.5 × 10^-3, इस तरीके से लिख दिया ये, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। पाई आर स्क्वेयर ये हो गया एरिया। आगे क्या कह रहा है, यंग मॉडुलस एल्युमिनियम कह रहा है, एल्युमिनियम के यंग मॉडुलस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ ये 7 × 10^10, ठीक है जी। अब कुछ नहीं, अब सॉल्व ही करना है इसमें, बिल्कुल ईजी है। देखो 7 से ये 7 गया, ठीक है, और ये वाला भी किस पे कट जाएगा, 22 से ये किस पे कट जाएगा, 5 पे कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, ये 0.5 है, पॉइंट हटाऊंगा इसका तो 10 ऊपर लग जाएगा, इधर से भी पॉइंट हटेगा तो ये 10 ऊपर लगा दिया मैंने, ठीक है। तो ये 5 से ये 5 गया, क्लियर। और क्या हो सकता है इसमें, देखो जी 5 हो गया ना ये, ठीक है, 5 ये बचा, 5 × 10, ठीक है। तो ऊपर देख लो जरा क्या हो रहा है आपके पास, 2 ही है सिर्फ, क्या है, 2 है और ये 10 है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2 × 10 है अपॉन में, नीचे देखो 10^10 यहाँ है, और ये −3 −3 कितना होगा, माइनस का 6, तो 10 में से −6 करो, कितना होता है, 10 में से −6 करेंगे तो 4, तो 10^4 ये 4 है, ठीक है। तो इसको अगर मैं लिखूँ इस तरीके से, 2 × 10^4 है और ये 1 है, तो 1 − 4 − 3, तो इतना मीटर लेंथ का क्या हुआ है, एलोंगेशन हुआ है, इतनी लेंथ इसकी इंक्रीज हुई है, किसकी, एल्युमिनियम की। और मैं इसको अगर लिखूं तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, अगर यहां mm में दिया हुआ है तो 10^-3 है, ठीक है, तो 10^-3 से ही मैं अगर डिवाइड करूंगा तो ये मिलीमीटर में आ जाएगा, बिकॉज जब मिलीमीटर को मीटर में करते हैं तो 10^-3 से मल्टीप्लाई, और जब मीटर को मिलीमीटर में करेंगे तो 10^-3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये कट ही जाएगा, तो मैं सिंपल लिख सकता हूँ 2 mm इसको। आ रही है बात समझ में, बताओ, ठीक है। इसी तरीके से हम इसमें जो है कॉपर के लिए भी निकाल सकते हैं एलोंगेशन। तो देखो उसके लिए क्या होगा, जो टेंशन है वो कॉपर में वो कितनी होगी, मास इनटू जी, यानी कि एम जी, एम कितना है इसका, 7 है और जी है 10, तो 7 × 10 70 N हो गई इसकी, ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात। यानी कि ये फोर्स ही है जो मैंने यहाँ पर भी टेंशन को ही लिया था फोर्स, क्लियर है इतनी बात, समझ पा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर भी अगर हम देखें वाई कॉपर के लिए तो क्या होगा आपके पास फॉर्मूला, F/A × क्या होता है आपके पास, L/Δ L, और ये किसका है, कॉपर के लिए हो रहा है, ठीक है, क्लियर है, कॉपर की ही लेंथ होगी यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर देखो जरा, अगर हम यहाँ से वैल्यू निकाल लें किसकी, Δ L, ठीक है, तो मैं इसको लिख जाता हूँ इधर, Δ L कॉपर का, F/A एज इट इज़, और ये L एज इट इज़ कॉपर वाला, ठीक है, और ये यंग मॉडुलस यहाँ आ गया कॉपर वाला, क्लियर है। अब बस वैल्यूज पुट करते हैं, देखो यहाँ पर हम F कितना है इसमें, 70 है, एरिया पाई आर स्क्वेयर, तो इसमें भी मैं पाई को कितना लूँगा, 22/7, तो ये 22/7 ले लिया। R इसमें देखो क्या होगा, अब देखो कितना था इसमें D, 1.4, तो इसका R हो जाएगा कितना, इसका 2 से डिवाइड करोगे तो 0.7 mm, ठीक है, तो 0.7 को mm है ना, तो 10^-3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो मीटर में आ जाएगा, तो 0.7 × 10^-3 और 0.7 × 10^-3, ठीक है ना, स्क्वेयर है ना, पाई आर स्क्वेयर, तो आर स्क्वेयर ही हो गया, पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर चला गया, क्योंकि 7 नीचे आता ना वो ऊपर जाएगा, इस तरीके से ये सब आपको पता है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है यहाँ पर, कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद क्या कह रहा है, यंग मॉडुलस कॉपर का और लेंथ लिख लेते हैं पहले। देखो जो हमारे पास लेंथ है कॉपर वाले की वो कितनी है हमारे पास, 0.5 मीटर है, तो मैं 0.5 लिख लेता हूँ यहाँ, और यंग मॉडुलस जो कॉपर का है उसकी वैल्यू जो है आपके पास वो कितनी है, 11 × 10^10 है। बस यहाँ पर भी अब सॉल्व करो, देखो ज़रा, देखो अगर मैं ये सब पॉइंट हटाऊँ, ये वाला पॉइंट भी हटाऊँ, दो पॉइंट हटाए
टेनिस का 100, तो ये 100 ऊपर लिख दूँ, और ये पॉइंट हटाऊंगा तो एक और 10 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, अब सारे पॉइंट हटा दिए मैंने। ठीक है, देखो जी, 7 से ये 7 और इस 7 से ये 10 हो गया। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम इसमें, देखो ये 5 है, 5 और ये 2 सा 10। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखते हैं इसमें कि क्या बचा हुआ है। देखो यहाँ पर कितना है ये आपके पास, 10,000, नहीं सॉरी 1,000 ही आया बस, 0 ये और ये। ठीक है, ऊपर तो 1,000 बचा, नीचे देखते हैं 22 ये है, और क्या बचा है यहाँ पर, ये 11 है और ये 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें इसमें, तो ये आपके पास 11 2 22 22 इंटू 22, या स्कोर कर दें हम, कर दें क्या इसको, चलो देखते हैं सॉल्व करके। 2 से इसको करते हैं तो ये कितना बनेगा आपके पास, 2 5 10 और ये 0। ठीक है, ये हो गया। और अगर इसको करें हम 2 1 1 और ये 2 5। ठीक है, और सोचो इसमें ज़रा, हो सकता है क्या कुछ, बस और तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास, देखो ऊपर आया 250। ठीक है, और नीचे क्या बचा, ये 11 11 कितना होता है, 121। ठीक है, और 10 की पावर -3 ये रहा, और 10 की पावर -3 ये, 10 की पावर -6 और ये 10 में से -6 करेंगे तो 10 की पावर 4 है। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात बताओ इसमें, कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखते हैं इसमें हम सिंपली कि क्या कर सकते हैं। देखो अगर हम यहाँ से देखें, ये है 250। ठीक है, 250 को करते हैं हम 121 से, तो ये 2 पे जाएगा, 2 1 2 2 4 2 1 2, क्या बचा यहाँ से 8, फिर ये 0। ठीक है, ये तो समझते हो ना, देखो 8 था, ठीक है 8 आया, फिर 0 जब हमने यहाँ पर कुछ नहीं है तो अपने से एक 0 उतारी ना। ठीक है, तो वो 0 यहाँ तो नहीं है, 0 नहीं है तो यहाँ पॉइंट लगा, अभी भी नहीं जा रहा तो नहीं गया, तो एक और 0 एक्स्ट्रा ली तो उसकी 0 यहाँ भी लगेगी। ठीक है, अब ये किस पे जाएगा, देखो 121 को 6 से करें हम, 6 1 6 2 12, 6 और ये 7। ठीक है जी, 6 पे जाएगा ये, 726 आएगा। ठीक है, जो भी आ रहा है, बस ये आ रहा है हमारे पास कितना, 2.06 इंटू में, यहाँ पर क्या है हमारे पास, देखो 10 की पावर 4 है। ठीक है, 10 की पावर 4 है, और ये किस में आ रहा है, मीटर में आ रहा है ना। तो इसको हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ये -4 है, सॉरी ऊपर जाके -4 हुआ। ठीक है, अब देखो इसको मैं अगर ऐसे लिखूं यहाँ पर, 2.06 है ना, तो 2.06 इंटू में 10 की पावर -3 इंटू में 10 की पावर -1। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या किया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 3 और 1 4। ठीक है, मैंने ब्रेक किया इसको, ऐसा क्यों किया, देखो 2.06 इंटू में 10 की पावर -1 इंटू में 10 की पावर -3 बनाइए। ठीक है, तो -3 हटाऊंगा तो ये मिलीमीटर बन जाएगा, क्या बचाइए, 2.06 इंटू में 10 की पावर -1 मिलीमीटर। और इसको फर्दर हम अगर करें, समझ पा रहे हो ना ये बात, 10 की पावर -3 था ना, तो -3 से ही डिवाइड करेंगे तो मिलीमीटर में आ जाएगा, तो ये हट गया 10 की पावर -3, तो यहाँ क्या बचा, ये बचा। अब इसमें देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2.06 10 की पावर -1 है तो नीचे 10 चला जाएगा। ठीक है, अब ये 10 अगर मैं हटाना चाहता हूँ ना, तो ये पॉइंट आगे चला जाता है, ये चीज़ आपको पता भी है या नहीं, बताओ, पता है ना, ये चीज़ इधर जाएगी लेफ्ट साइड। ठीक है ना, तो जितना जाएगी उधर 10 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अगर दो पॉइंट शिफ्ट होते तो 100 से होता। ठीक है ना, तो ये 10 हटाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 0.206 मिलीमीटर, यानी कि 0.2 मिलीमीटर है, बताओ। ठीक है, तो यानी कि ये आ रहा है हमारे पास किसकी एलोंगेशन, कॉपर की, और 2 mm की आ रही है किसमें, एलुमिनियम की। तो देख लो यहाँ पर हमारे पास किस तरीके से आएगा, ये देखो कहीं है 2 mm और 0.2, 2 mm 0.2 है, इधर नहीं है, 2 mm और 0.2 mm, ये आ रहा है बी ऑप्शन। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन जो है हमारा वो क्या होगा, करेक्ट होगा, बिकॉज यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 mm और 0.2। क्लियर है बात, इतनी समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। मेन इसमें कहानी क्या है कि जब हमें एलुमिनियम की देखनी है, तब हम जो इसमें टेंशन देखेंगे या फोर्स देखेंगे, वो इसकी वजह से और इसकी वजह से, दोनों की वजह से देखेंगे, और जब हम कॉपर के लिए देखेंगे तो सिर्फ इस M1 की वजह से देखेंगे। क्लियर है बात, इतनी बताओ, आया समझ में? ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन थे, इनको अच्छे से करो। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े और क्वेश्चन करेंगे। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।